Hey guys, मैं मोहित शर्मा। कैसे हैं सब लोग? बेटे एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 1 में, जो हमारा यूनिट नंबर 7 है, दैट इज अ डेटा इंटरप्रिटेशन। तो उसको आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो करेंगे रिवाइज। बेसिकली आज का जो वीडियो, ये एक मास्टर क्लास है हमारे डीआई के ऊपर। इसके अंदर हम बिल्कुल बेस से जो है वो डीआई को स्टार्ट करेंगे और किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के, उनको हम कंप्लीट करेंगे। 5 क्वेश्चन मैंने इसके अंदर डाले हैं। ओके, तो 5 तो मैं क्वेश्चन जो अभी आपका दिसंबर 2023 में जो एंटीनेट का पेपर हुआ था, तो उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 5 क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं, वो हम करेंगे। प्लस पहले बेसिक समझेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे उसको अटेम्प्ट करना होता है, किस किस तरीके से जो है वो डिफरेंट तरीके से जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एवरेज के क्वेश्चन हो गया, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सबसेक्शन, ये सब तो बेसिक चीज हो गया। ओके, फिर कंपैरिजन के क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज के अंदर पूछा जाता है कई बार, इंक्रीज डिक्रीज निकालना, तो ये सब चीजें हम आज के इस क्लास के अंदर जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो वीडियो एक मास्टर क्लास है, आप ये लगा लीजिए। इसके अलावा आपको डीआई करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना? तो ये वाला वीडियो बढ़िया तरीके से लगा लो। इसमें हम 5 क्वेश्चन भी समझेंगे, कैसे उनको अटेम्प्ट करना है ये हम देखेंगे, पूरा का पूरी चीजें इसके अंदर हम जो है वो पढ़ने का प्रयास करेंगे। ओके, और फिर अब डेली बेसिस पे मैं 5 दिन लगातार आपको 3-3 क्वेश्चन जो है वो अलग से और करवाऊंगा। तो 15 क्वेश्चन वो हो गए, एप्लीकेशन के ऊपर डाल दूंगा मैं। ओके, तो 15 क्वेश्चन वो हो गए, 5 आज के हो गए, मतलब 20 क्वेश्चन। अगर एग्जाम में जाने से पहले आप ये सब करके जाते हो, ठीक है, और जो आपकी बुक के अंदर हमने क्वेश्चन दे रखे हैं वो अगर आप करके जाते हो भाई, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। डीआई आपका बढ़िया तरीके से हो जाएगा। रिसर्च हमने कंप्लीट कर लिया, रिसर्च बढ़िया तरीके से आपका जो है वो हो सकता है। इधर डीआई अगर आपका बढ़िया तरीके से, तो लगभग आप ये लगा के चलो कि 20 नंबर तो आपके फ्री किए हैं, ठीक है ना? तो पेपर 1 के अंदर 5 क्वेश्चन डीआई के आएंगे, 5 आपके रिसर्च के आएंगे, तो 10 क्वेश्चन हो गए। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 20 नंबर आपके जो है बिल्कुल फ्री के हैं, अगर आपने थोड़ा प्रैक्टिस किया हुआ है। ओके, और प्रैक्टिस होती वही है जो एग्जाम में जान से जस्ट पहले, तो एग्जाम में आपने जाना है उससे लगभग 5-7 दिन पहले, अगर आप जो है डेली का एक एक क्वेश्चन डीआई का और एक क्वेश्चन अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का अगर आप करके जाते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपको, बढ़िया तरीके से सब कुछ हो जाएगा। ओके जी, तो आइए हम लोग जो स्टार्ट करते हैं हमारे आज इस टॉपिक को। टॉपिक का नाम जो है वो डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन की देखो अगर हम बात करते हैं, भाई ये होता क्या है? देखो, डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब डेटा को इंटरप्रेट करना। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? एक कंक्लूजन निकालना। ओके, तो डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन में हम सबसे पहले डेटा को रिव्यू करते हैं। बेसिकली डेटा इंटरप्रिटेशन एक पूरा प्रोसेस है जिसमें आपके सामने जो है वो कुछ डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, आप उस डेटा को देख के जो है वो क्या करोगे, उस डेटा को पहले रिव्यू करोगे और रिव्यू करके कुछ कंक्लूजन जो है वो निकालने का प्रयास करोगे। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में हम लोग जो है वो क्या करते हैं, जो डेटा है उस डेटा को इंटरप्रेट करते हैं। क्या करते हैं? इंटरप्रेट। तो बेसिकली इट इज ए प्रोसेस। डेटा इंटरप्रिटेशन जो है वो क्या, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। किसको रिव्यू कर रहे हैं? डेटा को, एंड अराइविंग एट रेलिवेंट कंक्लूजन, और एक रेलिवेंट कंक्लूजन पे पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डेटा इंटरप्रिटेशन। दोबारा बोलता हूं मैं, डेटा इंटरप्रिटेशन बेसिकली इट इज ए प्रोसेस। ये क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा को रिव्यू कर रहे हैं। ओके, और एक कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, एंड अराइविंग एट रेलिवेंट कंक्लूजन, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डेटा इंटरप्रिटेशन। रेलिवेंट कंक्लूजन क्या होता है? बेसिकली आपको जो डेटा दिया जाएगा उसके बेस पर, उस डेटा के बेस पर 5 छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाएंगे, वो जो 5 डिफरेंट जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए, दिस इज नोन एज अ कंक्लूजन, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कंक्लूजन। ओके, जब आप उनका आंसर निकालेंगे तो जो आंसर है वो, उसको हम क्या बोलेंगे, कंक्लूजन बोलेंगे। तो ये होता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। तो यहां पे बेसिकली जो क्या होगा, एक ऐसे आपको जो क्वेश्चन दे देगा, मान लो जनरली आजकल क्वेश्चन टेबल फॉर्म में आते हैं, ठीक है, बाकी पाई चार्ट को या लाइन ग्राफ उसके हमने एप्लीकेशन पे ऑलरेडी डाले हुए हैं, तो आप वो देख सकते हैं। ओके, तो टेबल आपको जो है वो देखने को मिलेगा। ओके, तो एक टेबल आपको दे देंगे या 2 टेबल आपको प्रोवाइड करवा देंगे और फिर बोलेगा कि ये टेबल के अंदर कुछ डेटा है, ठीक है, इस डेटा के बेस पर जो है 5 क्वेश्चन आपसे पूछेगा नीचे, डिफरेंट, और ये 5 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, आंसर करना है। इनको आंसर करने के लिए आपके पास जो बेस रहेगा वो क्या रहेगा, वो ये डेटा रहेगा जो इस टेबल के अंदर आपको प्रिस्क्राइब किया गया है। ओके, इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर पूछे भी जाते हैं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन जो है वो क्या, इट इज ए बेसिकली इट इज ए प्रोसेस जिसके अंदर आप लोग क्या करते हो, डेटा को पहले रिव्यू करोगे एंड फिर एक कंक्लूजन के ऊपर पहुंचने का प्रयास करोगे। ओके, मेन क्वेश्चन जो डीआई के अंदर पूछे जाते हैं वो है, एक टेबल ऑफ कंटेंट आपको मिलेगी, एक बेसिकली टेबल ऑफ कंटेंट आपको जो है वो दिया जाएगा, उसके बेस पर आपसे जो है वो 5 क्वेश्चन की जो है वो डिमांड किया जाएगा। तो 5 क्वेश्चन को जो है वो सोल्व करना आपको पड़ेगा। ओके, जो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं वो क्या होते हैं, जनरली ये क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछाएंगे, मतलब जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, एवरेज का क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन के अंदर आपको डेटा दे देगा, बोलेगा इनकी एवरेज निकाल के दिखाओ, या क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज। अब देखो, 10
और 12। अब मैं पूछूं बताओ ये सेकंड फिगर जो है, ये सेकंड वैल्यू जो है वो कितने ज्यादा है पहली से, तो आप क्या बोलोगे दो ज्यादा है। क्या कितने ज्यादा है, दो ज्यादा है भाई। ये जो है वो 10 से क्या 12, 10 से 12 मतलब कितना डिफरेंस है, दो का डिफरेंस है भाई, दो ज्यादा है ठीक है। वही अगर मैं परसेंटेज के अंदर पूछूं तो आप क्या करोगे, देखो जी 10 से 12 है इसका मतलब कितने ज्यादा है, दो। कितने परसेंट ज्यादा है तो हम कैसे करते हैं, 2/10 ये आपका बेस हो गया इंटू में 100, तो हम बेसिकली करते हैं कि 20% ज्यादा है। तो पेपर के अंदर जो है वो इस तरीके के क्वेश्चन कम आते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो अभी हम देखेंगे किस तरीके से, ठीक है ना। तो परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज इस तरीके के क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछे जाएंगे। दूसरा डिफरेंस के क्वेश्चन आते हैं, कई बार ये बोलेगा कि दो वैल्यू देगा, बोलेगा बताओ पहली वैल्यू जो है दूसरे के मुकाबले कितनी परसेंट ज्यादा है, या दूसरी वैल्यू जो है वो पहले के मुकाबले कितने परसेंट कम या ज्यादा है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। या कंपैरिजन के भी क्वेश्चन आते हैं, दो डेटा को आपस में कंपेयर करके पूछेगा कि इनको इनका कंपैरिजन करके बताओ इनमें कोई रिलेशन है तो वो बताइए। तो ये सब चीजें इस तरीके से जो है वो जर्नली पेपर के अंदर जो है वो एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। ओके, अब कुछ कुछ पहले मैं बेसिक आपको करवाता हूं, फिर हम क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं आता एक बार, ठीक है। देखो अगर कभी भी आता कि एवरेज निकालो, एवरेज अगर आपको निकालनी होती है तो आपको मालूम है एवरेज के अंदर हम क्या करते हैं, मान लो हमको ये 5 अलग अलग ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं, मेरे को ये 5 अलग अलग ऑब्जर्वेशन दे रखी है, बेसिकली 5 अलग अलग डेटा, 5 अलग अलग सालों का मान लो डेटा मेरे को यहां पे दे रखा है। पहला है 300, फिर 350, 450, 250 और 150, तो ये आपको डेटा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये 5 साल का मान लो आपको डेटा जो है दे रखा है, मान लो ये 5 साल के जो है किसी के मार्क्स है बेसिकली, ठीक है, ये किसी के क्या थे मार्क्स थे, तो पहले साल उसके जो है वो मार्क्स है, मान लो 5 सेमेस्टर के मार्क्स है, तो पहले सेमेस्टर में कितने थे 300, दूसरे में 350, तीसरे में 450, चौथे में 250 और पांचवे में 150। ओके, अब अगर मैं पूछूं कि बताइए उसके एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो आप एवरेज कैसे करोगे, एवरेज के लिए हम लोग जो वो क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर जो है वो क्या करते हैं, सम लेते हैं, सम का मतलब बेसिकली जो है वो क्या हो गया टोटल, क्या टोटल, तो सम ऑफ द टर्म या सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन और अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इनका टोटल जो है वो कितना है, इनको अगर हम जो है वो क्या करेंगे ऐड करेंगे तो इनका टोटल जो है वो निकल के आ रहा है कितना 1500, इसको डिवाइड करेंगे, ये कितनी आइटम है 1, 2, 3, 4, 5, तो इसको डिवाइड करेंगे किससे 5 से, तो ये आएगा अपना कितना 300। तो एवरेज करते हैं, एवरेज का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहता है आपका, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इस तरीके से हम एवरेज जो है वो निकालने का प्रयास करेंगे। अब पेपर के अंदर क्या करेगा, आपको जो है वो कुछ डेटा प्रोवाइड कर देगा, बोलेगा इनका एवरेज बताओ, ठीक है, या ये बोलेगा कि आपको दो अलग अलग डेटा देगा, ठीक है, मान लो ये दो अलग अलग डेटा, बोलेगा इन दोनों का एवरेज कितना है, ठीक है। तो अगर आपको एवरेज निकालना तो आपको सिंपल सी बात है, आपको पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा, आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे एवरेज निकालना किसका है, ठीक है ना। तो एवरेज निकालने के लिए बेसिकली करना सिंपल सी एक ही काम है, वो क्या, आपको जो भी ऑब्जर्वेशन दे रही है उन सबको क्या करो ऐड करो और उसको डिवाइड करो किससे, उनके नंबर से, ठीक है। अगर जैसे मान लो तीन आपको डेटा दे रखा है, ठीक है, तीन अलग अलग सालों का डेटा है और बोल रहे हैं कि इन तीन सालों के एवरेज निकालो, तो आप क्या करोगे इन तीनों को पहले ऐड कर लो और डिवाइड बाय 3 कर देंगे, क्योंकि कितने सालों का डेटा है 3 सालों का। इस तरीके से हम लोग जो है वो काम करते हैं। ओके, तो ये तो हो गया आपका एवरेज के क्वेश्चन। तो एवरेज अगर कभी आ जाए तो अभी बेसिक बता रहा हूं कैसे सोल्व करना है, अभी हम आगे देखेंगे एवरेज कैसे निकालते हैं। ऊपर हम क्या करते हैं, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, फिर है आपके परसेंटेज के। देखो परसेंटेज का जो मतलब होता है, वैसे हमने परसेंटेज के जो हमने चैप्टर मैथमेटिकल रीजनिंग वहां पे इसको कवर भी किया, तो एक बार थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं आपको मैं। परसेंटेज के अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं, हम करते हैं परसेंट, सेंट का मतलब क्या 100, सेंट का जो मतलब होता है वो क्या होता है 100, तो हर सेंट पर, हर 100 पर वैल्यू बेसिस निकालते हैं। जैसे अगर मान लो 9%, तो 9% का मतलब क्या 100 का 9% 100 का 9% 9%, तो इसका मतलब किसका, ये सेंट का कितना 9, तो इसको इस तरीके से हम निकालते हैं 100 का 9th पोर्शन। ओके, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, पर बोल तो हर और सेंट मतलब 100, तो 100 का जो टर्म है वो अपने को निकालना है। जैसे मान लो अगर ये आ जाए कि 6000 का 42% निकालो, 6000 का 42%, तो आपको जो वो क्या करना है इधर 6000, ठीक है, इसका 42%, तो परसेंटेज अगर आपको निकालिए तो इसको डिवाइड करते हैं किससे 100 से, किससे डिवाइड करेंगे 100, तो 42 अपॉन में 100, तो आप इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो आपका ये कट गया, तो बाकी रह गया क्या 60 into 42, तो ये आपका 0 आ गया, फिर इधर 6 2 12 का 2 carry 1, फिर आपका 6 4 24 और 1 25। ओके, तो ये टोटल मिला के कितना हो गया 2520। अब इसको शॉर्टकट करने का भी एक तरीका होता है, जैसे हम लोग मैं इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब वही है कि देखो मैं वैसे आपको सजेस्ट नहीं करता कि आप शॉर्टकट करना, ठीक है, आप नॉर्मल जो तरीका होता है ना उसी तरीके जैसे आप करते हो, आप इसी तरीके से करते हो, आप ऐसे ही करना, ठीक है ना। जैसे
42 और 6, तो 6 2s आर कितना हो गया 12, तो ये कैरी 1, फिर 6 4s आर कितना 24 और 1 25, तो ये आ गया अपना 2520। ओके, आप नॉर्मल कर रहे हो वो करो, लेकिन ना जब क्या होता है कि कई बार ना शॉर्टकट भी हम लोग जो यूज करते हैं, जैसे मान लो अपने को 42% निकालना है, तो 42% का मतलब क्या हो गया 40 और 2, ठीक है, तो पहले 6000 का 40%, तो 6 चौक 24 2400, फिर 6000 का 2%, 6 × 12 = 120, इस तरीके से ये थोड़ा और भी जल्दी, मतलब वही है कि उस टाइम पे जब आप एग्जाम के अंदर बैठे हो उस टाइम पे वो स्टिक अगर कर रहे हैं ना आपको, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, आप चाहो तो आप नॉर्मल रूट भी फॉलो कर सकते हो, चाहो तो आप शॉर्टकट भी कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से भी आप जो है इसको फ्रैक्शन में करके भी आप इसको कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज के, बहुत मतलब अगर आपके 5 अगर क्वेश्चन है तो लगभग 4 तो आप ये मानो परसेंटेज के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मतलब किसी में नॉर्मल परसेंटेज पूछ लेगा, किसी में पूछेगा परसेंटेज इंक्रीज बताओ, किसी में पूछेगा परसेंटेज डिक्रीज बताओ, किसी में पूछेगा कि कितना परसेंट बढ़ा हुआ है, कितना परसेंट पहले के मुकाबले कम हुआ है, ये तो परसेंटेज आपको पहले बताना है, परसेंटेज का मतलब क्या परसेंट। ओके, फिर फ्रैक्शंस, आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम के अंदर अगर आपको नॉलेज है। जैसे परसेंटेज के अंदर हम 1 को क्या मानते हैं 100% का वैल्यू मानते हैं, 1 जो है वो क्या 100% है। ओके, परसेंटेज के अंदर हम 1 को जो क्या मानते हैं 100% मानते हैं। 1/2 का मतलब क्या होता है 50% किसी चीज का, 1/2 मतलब अगर 100 का 1/2 अगर करते हैं तो ये क्या 50%, 100 का 1/2 कितना 50, 100 का 1/3 ये कितना होता है 33.33%, 100 का 1/4, 100 का 1/4 जो है वो कितना होगा 25%, 100 का 1/5 कितना होगा 20%, 100 का 1/6 16.66, 100 का 1/7 14.28, 100 का 1/8 12.5, 100 का 1/9 11.11, 1/10 10% हो गया, 1/11 9.09, 1/12 8.33, 1/13 7.69, 1/14 कितना हो गया 7.14, 1/15 कितना हो गया 6.66। तो ये फ्रैक्शन है बेसिकली, अगर आपको थोड़ा बहुत ये याद हो जाए एग्जाम में जाने से पहले, मैं कह रहा हूं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। पेपर में कई बार जो है वो इस तरीके से पूछेगा, देखो बोलेगा किसी चीज का 2/3 निकालो, जैसे ऐसा बोल देगा कि मान लो 2400 का 2/3 निकालो, 2400 का 2/3। ओके, अब ये अगर ऐसा पूछ ले तो या तो आप सिंपल सा कर लो, मान लो या कोई भी एक फिगर दे दे तो आप सिंपल सा कर सकते हो, जैसे मान लो ये 3 × 1 = 3 और ये आ गया आपका कितना 800 और ये हो गया कितना 1600, ये तो नॉर्मल तरीका हो गया। या कई बार क्या होता है हमको अगर मान लो ये पता होता है 1/3 कितना है, ठीक है, अगर 1/3 की वैल्यू आपको पता है कितना 33.33, तो 2/3 का वैल्यू कितना हो गया 66%, कितना हो गया 66। ओके, जैसे कई बार ऐसा आ जाएगा कि 5/4, 5/4, तो 5/4 मतलब हमको पता है 1/4 जो है वो क्या होता है 1/4 25% है, तो 5/4 जो 5/4 जो वो कितना हो गया 25 का 5 टाइम, तो इसका मतलब 125% निकालना है। ओके, तो इस तरीके से अगर ये आपको याद है ना तो एग्जाम में, अभी हम इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे, आपको बहुत हेल्प करेगा, सीरियसली बहुत हेल्प करेगा। तो थोड़ा देख लो, एक फ्रैक्शन मतलब जब भी परसेंटेज की बात करेंगे तो वहां पे 1 जो है उसको हम मानते हैं क्या 100% का वैल्यू, 1/2 मतलब 50% का वैल्यू, 1/3 मतलब 33.33% का वैल्यू, 1/4 25% का वैल्यू, 1/5 20% का, 1/6 16.66, 1/7 14.28, 1/8 12.5%, 1/9 11.11, 1/10 10%, 1/11 9.09, 1/12 8.33, 1/13 7.69, 1/14 7.14, 1/15 6.66, एंड सो ऑन से चलता रहेगा। ओके, तो ये जनरली यहां तक मान लो 1, 12 या 15 तक जो है वह अगर आपको याद है तो सही रहेगा। ओके, अब तो जैसे मैंने यहां पे बताया कि अगर 2/3 कंप्यूट करना है तो पहले 1/3 अगर आपको पता है तो 1/3 का दोगुना, 1/3 का मतलब 1/3 अगर पता है तो आपको क्या निकलना है 2/3, तो 2/3 कैसे होगा 1/3 इंटू में अगर 2 करूंगा 1/3 का 2 टाइम्स, तो ये क्या है 2/3, ठीक है ना। तो अगर 1/3 की वैल्यू आपको पता है तो इसका डबल कर दो, बस ये क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। ओके जी, अब पेपर में कई बार जो है कंपैरिजन के सबसे मेन क्वेश्चन जो है वो ये आते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर पूछता है कंपैरिजन का और डिफरेंस निकालने का। जैसे मान लो एक अभी सिंपल सा लेके चलता हूं, ए है मान लो 1000, अब क्वेश्चन आएगा ए कितना परसेंट है बी का, बी है मान लो 1500, ठीक है, ए कितना परसेंट है किसका बी का, तो ए है 1000 और बी है 1500, तो पूछ रहे हैं बताओ ये 1000 जो है वो इस 1500 का कितना परसेंट है, ये जो 1000 है ये इस 1500 का कितना परसेंट है, अगर ये पूछ ले कि 1000 1500 का कितना परसेंट है तो क्या निकालना है आपको, आपको बताना है 1000
किसका कितना परसेंट है, बी का। तो जो जिससे रिलेट कर रहे होते हैं ना, जो रेफरेंस होता है, मतलब आपको क्या निकालना है, आप ये देखना चाह रहे हो कि ए बी का कितना परसेंट है, तो यहां पे बी जो है ये है आपका रेफरेंस, बी जो है एक है रेफरेंस है, ओके। और अगर बी रेफरेंस है तो बी जो है, जो रेफरेंस हमेशा जो है वो क्या बनता है, बेस बनता है। क्या बनता है, बेस, बोले तो डिनोमिनेटर हमेशा नीचे आएगा, जब भी डिवीजन करेंगे तो नीचे जो है वो क्या, जो बेस बनेगा वो क्या होता है, रेफरेंस। तो जैसे यहां बोल दिया ए व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो इसका मतलब ए, हम यहां पे ये देखना चाह रहे हैं ए कितना परसेंट है किसका, बी का। तो ए अगर 1000 है और बी 1500 है, तो आपको बताना है कि ए बी का कितना परसेंट है। तो यहां पे ऊपर जो आएगा वो क्या आएगा, व्हाट वी कंपेयर, जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं वो ऊपर, और टू हूम वी कंपेयर, जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो क्या आएगा, नीचे। तो हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, ए को, किससे कर रहे हैं, बी से। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए अपॉन बी इनटू में 100। तो यहां पे ए जो है वो कितना है, 100, बी कितना है, 1500 इनटू में 100, ओके। अब अगर अब ध्यान से समझना, अब इसको अगर आपने कंप्यूट करना है, ठीक है, अब कंप्यूट आप कैसे करोगे, अब देखो एक सिंपल सी बात है, हमको पता है, जैसे मान लो, या तो एक वो तरीका, ये कट गया, फिर आप ऐसे कर सकते हो 1000 और ये 15, ठीक है, तो 15 6 90, तो यहां पे आ गया कितना, फिर आपका दोबारा 100, ठीक है, फिर आपका जो है 15 6 90, फिर आपका आ गया कितना 10, फिर पॉइंट लगे 100, एंड सोन चलता रहेगा, इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा तरीका जो है वो क्या है, जैसे आपको ये बता दिया, अब आपके सामने जो है वो क्या, 1000/15, आपको ये निकालना है, 1000/15 आपको अगर ये निकालना है। अब एक बात बताओ, अगर आपको 1000 और डिवाइड बाय 15 अगर करना है, तो क्या आपको मालूम है 1/15 की वैल्यू क्या है, बताओ, 1/15 अगर आपको जो है वो क्या करना हो, निकालना पड़े, तो क्या आपको 1/15 की वैल्यू पता है क्या, बताओ क्या है। सर 1/15 अभी आपने बताया हमको, सर 1/15 जो है वो होता है क्या, 1/15 है मान लो 6.66, 1/15 जो है वो क्या, 6.66, तो 6.66 जो है 1/15 है, तो इसका जो है वो क्या करना है आपको, अगर इसको आपको जो है वो निकालना पड़े, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1000 से, ये इसका वैल्यू, इस तरीके से इसका जो है वो वैल्यू निकल आएगा, ठीक है ना। तो अगर मान लो आपको जो है वो कंप्यूट करना है कि 1/15 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 66.66, 1/15 की वैल्यू कितनी है, 6.66, 6.66, ये इसका जो है वो क्या वैल्यू है। अब आपको जो है वो क्या करना है, आपको जो है ये निकालना है, 1/15 मेरे को पता है 6.66 होता है, ओके। अब अगर 1000 ये कितना, 1000/15 करना है, तो करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, ये वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से फ्रैक्शन को आप जो है वो यूज कर सकते हो, ओके। अभी मैं इसको बताऊंगा, तो जैसे मैंने यहां पर बताया कि एज यू नो 1/15 जो है वो कितना 6.66 है, सो 10/15 की अगर वैल्यू निकालें, तो इसका 10 गुना जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इसका 10 टेंस, बोलते हो 6.66 इंटू में 10, बोलते 66.6%, ओके। अब कई बार ना ऐसे ऐसे आएगा कि ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, अब यहां पे ये पूछ लिया, मान लो ए है 130 और बी है 80, अब क्वेश्चन में ये आ गया कि आप ये बताओ ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है। अब पहले आप डिफरेंस निकालो, ए और बी में कितना है, सर ए और बी में डिफरेंस जो है कितना 50 का। अब ये पूछ रहा है कि ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है, नॉर्मली अगर पूछे ए बी से कितना ज्यादा, तो मैं बोलूंगा 50 पॉइंट ज्यादा है, लेकिन परसेंटेज में अगर पूछे तो हम क्या करेंगे, जितना ज्यादा है वो ऊपर आएगा, इनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ऊपर आएगा, ये आ गया जी डिफरेंस, डिफरेंस कितना है जी 50, ठीक है, किससे, ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है, तो बी नीचे आ जाएगा, तो बी जो है वो क्या 80, तो 50/80 इंटू में 100 अगर करोगे तो। अब यहां पर एक बार बताओ, ये बताओ इसको अगर मैं वो करता हूं, निकालते इसको कंप्यूट करते हैं, तो देखो 1/5 की वैल्यू, 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, सर 1/8 की अगर हम बात करें तो 1/8 जो होता है कितना 12.5%, 1/8 कितना होता है 12.5, ठीक है ना, 12.5 जो है वो क्या 1/8, तो 1/8 अगर 12.5% है तो 5/8 जो वो कितना होगा, तो अगर 5/8 अगर अपने को निकालना हो तो 5/8 अपना जो है वो क्या होगा 12.5 का 5 गुना, 12.5 का कितना 5 गुना, तो 12.5 का अगर 5 गुना अगर आपको आपको मालूम है 1/8 की वैल्यू कितना है 12.5, तो 1/8 का वैल्यू 12.5 है, तो 5/8 का वैल्यू क्या होगा 1/8 का 5 टाइम्स, तो मतलब 1/8 की जो भी वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे 5 से, तो 1/8 होता है 12.5 मतलब 125, तो 125 का 5 गुना 625, तो 62.5 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, बोलो जी सर। अब इसी के बेस पर अगर अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पे ये पूछा कि ए कितना परसेंट ज्यादा है किससे बी से, तो ए कितना ज्यादा है
आप ये बताओ पहले ए कितना ज्यादा है सर, अगर बात करें तो ए वैसे 50 ज्यादा है, लेकिन अगर परसेंटेज में पूछे तो कैसे करोगे, 50 अपॉन में, अब यहां पे बी से कितना ज्यादा है तो 50 अपॉन में 80 इंटू में 100 आपने निकाल लिया, ये कितना आ गया जी आपका 62.5%। ओके जी, अब अगर ये पूछ रहे कि बी बताओ कितना कम है ए से, अब बहुत बच्चे जो है वो यहां पे कंफ्यूज होते हैं, और कंफ्यूज क्या वो पता है वो क्या करेंगे कि ए अगर बी से 62.5% फालतू है तो इसका मतलब बी ए से 62.5% कम होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आओ कंप्यूट करते हैं एक बार, इसी सेम डेटा के बेस पे अगर हम ये पूछे कि बी कितना परसेंट लेस है किससे, ए से, अगर मैं पूछूं कि बी कितना परसेंट लेस है किससे, ए से, अगर आपको ये निकाल लो, अगर आपको ये निकाल लो कि बी जो है वो कितना परसेंट कम है किससे, ए से, तो यहां पे रेफरेंस क्या है, बेस क्या है, ए, बेस क्या है, ए, तो आप कैसे करोगे, डिफरेंस कितना है जी 50 का अपॉन में बेस जो है, अब यहां पे क्या है, ए है, तो बेस आपका अलग हो गया, तो इसको अगर मैं कंप्यूट करता हूं तो 50 बटे 130, तो इसका मतलब अगर ये कट गया तो इसका मतलब 5 बटे 13। अब मुझे पता है 1 बटे 13 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1/13 जो है वही होता है 7/69, तो 5/13 जो है वो क्या होगा, इसका 5 times, इसका 5 times अगर मैं करूंगा ये आंसर आ जाएगा 38.40। अब बहुत बार ना आपके मन में ये आएगा सर ये तो बहुत गलत हो गया, देखो ए अगर बी से 62.5% फालतू था तो बी को ए से 62.5% कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों आंसर, ध्यान देना, दोनों आंसर डिफरेंट आएंगे, बिकॉज दोनों के बेस जो डिनोमिनेटर है ना वो क्या है, अलग अलग है, दोनों का अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। ओके बोलो जी सर, इस तरीके से होता है। ओके चलो अब एक काम करते हैं, तो बेसिक बेसिक आपको मैं थोड़ा बहुत बता दिया, तो अभी हमने बेसिक के अंदर जो है वो पढ़ा एवरेज के बारे में, हमने पढ़ा परसेंटेज के बारे में, फ्रैक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दिया, फिर आपको मैंने परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकालने के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया। अब आइए अब हम जो है वो क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ये मैंने यहां पे जो है वो दिसंबर 2023 के जो है दिसंबर 2023 में जो एग्जाम हुआ था तो उसके क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए वो मैंने यहां पे लिए। ओके क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं एक बार, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है, देखो डीआई का या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगर इन दोनों को अगर आपने बढ़िया तरीके से सॉल्व करना है, अगर आप चाहते हो कि कम टाइम में और एक्यूरेसी आए, तो आपको ये जो चीज दे रही है ना ये स्टेटमेंट, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको ढंग से पढ़ना, क्योंकि अगर आपने जो स्टेटमेंट दे रखी है बेसिकली जो डेटा आपको प्रोवाइड किया हुआ है, अगर डेटा को ही इंटरप्रेट नहीं कर पाए, मतलब जो गिवन डेटा है अगर आप उसको ही नहीं समझ पाए, अगर उसको ही समझने में आपने मिस्टेक कर दिया तो क्वेश्चन तो सारे गलत होंगे। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द कि जो डेटा आपको प्रोवाइड किया हुआ है वो डेटा क्या है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये जो चीज है ना आपको इनको समझना बहुत जरूरी है कि भाई मुझे दिया क्या हुआ है, फिर उसके बेस पर हम लोग जो वो क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे। ओके जी, पेपर के अंदर कैलकुलेटर तो अलाउड है नहीं, तो आपको थोड़ा सा फास्टली कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और फास्ट कैलकुलेशन का मतलब वो कैसे होगा, जब आप पेपर में जाने से पहले कम से कम 10-12 क्वेश्चन जो कर जाओगे ना, तो फिर एग्जाम में जाने से पहले अगर इतना सब कर लिया तो पेपर में जब बैठोगे तो आराम से ड्यू टाइम के अंदर आपका सारा काम जो है वो हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि पेपर में जाने से पहले अगर आप 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए हो ना, ज्यादा भी नहीं, सिर्फ 20 क्वेश्चन डीआई के और 20 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, तो मैं ये मानता हूं कि आपके 100 में से मतलब जो इन दोनों का जो वेटेज है ना वो 100% आप कवर कर लोगे, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन 2023 के अंदर ये जो दिसंबर 2023 में ये आया था क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ो एक बार के लिए, बोलता थी फॉलोइंग टेबल, एक टेबल आपको दे रखी है जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, आओ बोलता है द फॉलोइंग टेबल शोज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, डेटा जो दिया हुआ किस में रखा है, मिलियंस में। अब 1 million में कितने होते हैं बताओ सर, 1 million में कितने रुपए होते हैं बताओ, 1 million के अंदर जो है वो 10 lakh, अगर कोई पूछे 1 million में कितने रुपीज होते हैं तो आप क्या बोलोगे, 10 lakh, ये थोड़ा पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। चलो आगे आओ देखते हैं, बोलते थे फॉलोइंग टेबल शो द इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन मिलियंस ऑफ द सर्टेन कंपनी ड्यूरिंग द 5 years, आपको डेटा दे रहा है 5 सालों का, 2018 से 2022, ठीक है जी, अलोंग विद प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज, और साथ में आपको जो है एक तो आपको दे रखा है क्या क्या डेटा, क्या क्या दे रखा है, इनकम का, एक्सपेंडिचर का और प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का,
ठीक है, इन ऑल दीज ईयर, ठीक है जी, सम वैल्यूज आर मिसिंग, बोलते जो डेटा आपको देखा है इसमें कुछ वैल्यूज जो है वो क्या मिसिंग है, कुछ वैल्यूज जो है वो क्या मिसिंग है, ठीक है, इन द टेबल इंडिकेटेड बाय दैट यू आर एक्सपेक्टेड, और इससे आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप जो है इनको कैलकुलेट कर लोगे, जो भी मिसिंग वैल्यू है आप अपने हिसाब से निकाल लोगे, बेस्ड ऑन द डेटा, जो डेटा हमने आपको टेबल में दे रखा है उसके बेस पर आपको कुछ क्वेश्चन हमने पूछे, उन क्वेश्चन को आपको जो है वो क्या करना है, आंसर करना है, ठीक है। अब देखो मेरे को जो डेटा दे रखा है वो क्या दे रखा है, ये जो है ना जो मैंने लिख रखा है ये मैंने कैलकुलेशन के लिए लिखा है, ठीक है ना, तो आपको मतलब आप ये समझो आपको जो डेटा है वो ब्लैंक दे रखा है, ठीक है ना जी। चलो मतलब जो भी मैंने लिखा हुआ है वो सब जो है वो कैलकुलेशन पर्पस के लिए आपको समझाने के लिए। चलो आओ देखते हैं एक बार के लिए, ये पीडीएफ में एज इट इज जो मैंने अभी इस पर ओवरराइटिंग रखी है, एज इट इज ये पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम के ऊपर भी और अपने क्या बोलते हैं ऐप के ऊपर भी, ओके तो आप देख लेना, ओके घबराने की जरूरत नहीं, अभी नोटिंग मत करो, सिर्फ समझने का प्रयास करो, ठीक है ना, एज इट इज ये मैं डाल दूंगा पांचों क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो आओ देखते हैं, बोलते हैं ईयर वाइज आपको जो है वो इनकम एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है कंपनी का, पांच साल का डेटा है 2018 का, 19 का, 20 का, 21 का, 22 का, ठीक है जी। एक्सपेंडिचर आपको दे रखे इन मिलियंस में, ठीक है, कितना दे रखा है 192, 248, 210, 2021 22 का नहीं दे रखा, ठीक है। इनकम की अगर बात करें तो इनकम यहां पे आपको दे रखे 2018 की इनकम जो है वो 18 की इनकम मिसिंग है, 19 की इनकम मिसिंग है, 20 की मिसिंग है, 21 की दे रखे 359.6, ठीक है जी। फिर यहां पे अगर मैं बात करता हूं प्रॉफिट या लॉस परसेंट का, तो 2018 के अंदर 15% का प्रॉफिट है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जब कभी भी ऐसा आए कि प्रॉफिट या लॉस अगर पूछे, बोले कि 15% का प्रॉफिट है या 20% का लॉस है, ये 15% या 20% ये किसका होता मालूम, ये होता है आपके किसका एक्सपेंडिचर का या फिर किसका कोस्ट का। तो जब कभी भी आप कंप्यूटेशन करते हो एक्सपेंडिचर वाला इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन को करो ना, तो जब कभी भी वहां पे प्रॉफिट या लॉस दे रखा हो तो वो जो परसेंटेज होती है ना 20%, 30%, 50%, ये किसकी होती है हमेशा कोस्ट की या फिर एक्सपेंस की, ये बात ध्यान रखना। तो अगर यहाँ पे ये 20% है, ये 15% है ना, तो ये 15% किसका है 192 का, 15% किसका 192 का, ये बात ध्यान रखना, ओके जी। तो लिख लेना ये बात स्पेशल, कि जब कभी भी आप इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन करो ना, तो वहां पे अगर आपको जो है वो प्रॉफिट या लॉस अगर दे रखा है तो जर्नली कुछ भी अगर ना बोल रखा हो तो हम हमेशा ये अज्यूम करते हैं कि ये किसका है हमेशा कोस्ट का, किसका कोस्ट का, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 2018 का बता रखा है प्रॉफिट परसेंटेज, 2019 का नहीं बता रखा, 20 का बता रखा है और 21 का बता, और 22 का, 22 का लेकिन माइनस में, इसका मतलब ये क्या लॉस है, ये क्या है लॉस है, ठीक है। अब इनकम जो कैसे निकलती है, इनकम अगर आपको निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, अगर आप एक्सपेंडिचर जो आपको दे रखा है उसमें अगर आप प्रॉफिट परसेंट को क्या कर लोगे ऐड कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा इनकम, क्या जाएगी इनकम। और यहां पे एक्सपेंडिचर या बेसिकली जो कॉस्ट है उसको हमेशा क्या मानते हैं 100% मानते हैं, इसको क्या मानते हैं हमेशा 100%, ओके जी सर। आओ देखो ये सबसे पहले क्वेश्चन बोलता है प्रॉफिट इन 2020 इज कितना परसेंट ज्यादा है 2018 से, बोलता है प्रॉफिट जो है 2020 का वो कितना परसेंट ज्यादा है 2018 से। देखो 2020 का प्रॉफिट आपको दे रखा है नहीं निकालना पड़ेगा, 2018 का प्रॉफिट आपको दे रखा है नहीं निकालना पड़ेगा। तो देखो 2018 में आपका एक्सपेंडिचर था 192 और प्रॉफिट कितना था 15%, तो आप इसको निकाल लो 192 का 15% आप कर लो, अगर 192 का 15% करोगे तो आंसर आएगा 28.8, 192 का 15% अगर आप करोगे तो आंसर पता है क्या आएगा 28.8। अब 15% करने का भी एक ना वैसे शॉर्टकट होता है, बताऊं देखो 192 इंटू में 15 अपॉन में 100 अगर आपको ये करना है, ठीक है। तो देखो एक सिंपल से वैसे बताऊं 192 का आपको जो है वो क्या निकालना है 15%, ठीक है। तो 192 का 15, तो 192 अब 15 जो है वो कैसे है 10 और 5, 10% और 5%, ऐसा ही है बोलो जी सर। तो अब यहां पे 192 मतलब ये जो है 192 का 10% कितना हो गया 19.2, मतलब 192 लगा लो एक बार, मान लो यहां पे मैं ये मानता हूं 192, ठीक है, और ये 5% मतलब आधा, तो 192 का आधा अगर आपको करना हो तो कैसे करोगे सर, इसका अगर मेरे को आधा करना है तो ये मेरा आ गया 96, समझ में आया, ये कितना आ गया 96, इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 192 और 96 288, फिर एक पॉइंट लगा लो, ये आ गया 28.8। अब वो ये शॉर्टकट है, लेकिन अब शॉर्टकट रियल टाइम पे आपको याद आए तो की बात, लेकिन मैं हमेशा ये बच्चों को ये बोलता हूँ यार शॉर्टकट यूज मत करो, नॉर्मल जो भी होता है ना उसी तरीके से अगर आप करोगे, क्योंकि आप बचपन से यही करते आए हो, ठीक है ना, तो अगर यही करोगे ना तो सही रहेगा, ओके।
खैर ये आपको जो है वो आपको इस तरीके से भी आप कंप्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको देखो, आपको यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट दे रखे कितना 15%, तो 192 का 15% आ गया 28.8, और 2020 का जो है वो एक्सपेंडिचर है 210 और प्रॉफिट परसेंट है कितना 20%, तो 210 का 20% कितना आ गया 42। अब क्वेश्चन जो वो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 2020 का जो प्रॉफिट है, अब देखो 2020 का प्रॉफिट कितना है 42, ये कितना ज्यादा है 2018 के प्रॉफिट से, ठीक है। तो 2020 का जो प्रॉफिट है वो है 42, ये कितना ज्यादा है 2018 के प्रॉफिट से, 2018 का जो प्रॉफिट है वो कितना है, वो है आपका 28.8, तो ये 42 जो है वो कितना उससे ज्यादा है, तो यहां पे जो रेफरेंस है वो क्या है, वो है 28.8। ये क्या है रेफरेंस, ये क्या है रेफरेंस, तो कितना ज्यादा है जी 113.2, 28.8 और ये 42 है, तो कितना ज्यादा है, इसको अगर मैं 42 में से मैं माइनस करूंगा 28.8 को, तो आंसर क्या आएगा 13.2। ओके, तो ये 13.2 ज्यादा है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, परसेंटेज में अगर निकालना हो तो क्या ऊपर आएगा डिफरेंस और नीचे जो है वो क्या आएगा रेफरेंस, तो कितना ज्यादा है इससे, तो 28.8 से कितना ज्यादा है 13.2 ज्यादा है, तो डिवाइड करेंगे 28.8 से, इसको अगर आप कंप्यूट करोगे तो आंसर आएगा आपका कितना 45.83। ओके, तो अगर ऐसा क्वेश्चन है कि प्रॉफिट जो 2020 का प्रॉफिट बताना है कितना ज्यादा है 2018 से, तो पहले 2020 का प्रॉफिट निकाल लो, फिर 2018 का प्रॉफिट निकाल लो, दोनों में डिफरेंस देख लो, ठीक है। तो 2018 का प्रॉफिट था 28.8 मिलियन, 2020 का प्रॉफिट था 42 मिलियन, दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस निकाल लिया कितना 13.2। अब ये 13.2 जो है वो कितना ज्यादा 28.2 से, तो इसका परसेंटेज निकाल लो, ठीक है। तो 13.2 / 28.8 इसका परसेंटेज निकालोगे तो 45.83%। दूसरा क्या बोल रहा है, बोलता है 2020 के अंदर अगर एक्सपेंडिचर जो था कंपनी का वो 15% ज्यादा था एज कंपेयर टू 2019, 2020 का जो एक्सपेंडिचर, 2022 का जो एक्सपेंडिचर है ना वो 2019 के मुकाबले में 15% ज्यादा है, तो बोलता है इनकम बताओ कंपनी की 2022 में कितनी होगी, ठीक है। तो देखो 2022 का जो एक्सपेंडिचर अपने को नहीं दे रखा, लेकिन ये बोलता है कि ये 2019 से 15% ज्यादा है, तो 2019 का एक्सपेंडिचर मेरे को दे रखा कितना 248, तो इसका मतलब 2022 का जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो कितना है 248 प्लस में 15%, तो 248 प्लस में 15, ये मैंने निकाल लिया कितना आ गया 285.2। तो ये अगर 285.2 जो है वो क्या आ गया, अगर ये मेरा एक्सपेंडिचर आ गया, तो आपको अब इनकम निकालनी है, तो इनकम कैसे निकालते हैं अभी आपको बताया, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो एक्सपेंडिचर माइनस में लॉस। ओके, अब 2022 में प्रॉफिट है लॉस है, सर 2022 के अंदर तो लॉस है 12% का, तो कुछ नहीं, दो लॉस आप इसको क्या कर दो माइनस कर दो, तो ये आपका एक्सपेंडिचर है कितना 285.2, इसका 12% आप निकाल लो, इसका 12% हमने कंप्यूट कर लिया, ये आ गया 34.22, तो इसका 34.22 की 22 जो आया इसको इसमें से क्या कर लो माइनस कर लो, तो 285.2 में से 34.22 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 250.97। सिंपल, चलो आगे बढ़ते हैं। बोलता है इफ द लॉस इनकर्ड बाय द कंपनी 2019 वाज 33.2 मिलियन मोर देन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी 2018, बोलता है अगर मान लो 2019 के अंदर जो कंपनी ने लॉस किया ना वो 2018 में जो प्रॉफिट कमाया उसमें 33.2 और जोड़ दो, इतना लॉस है, ठीक है। तो बताना है कि लॉस परसेंट इनकर्ड बाय द कंपनी 2019 कितना होगा, कि कंपनी ने 2019 में कितना लॉस किया। देखो 2018 में कंपनी का प्रॉफिट कितना है, सर 2018 में हमने अभी निकाला कंपनी का प्रॉफिट 28.8, कितना है 28.8, तो इस दो इसका मतलब 2019 का लॉस कितना होगा 28.8 में, बोलता अगर 33.2 जोड़ दो ना, इफ द लॉस इनकर्ड बाय द कंपनी 2019 वाज 33.2 मिलियन मोर देन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी 2018, मतलब 2018 में जितना कंपनी का प्रॉफिट था 2019 में जो लॉस है ना वो प्रॉफिट प्लस में 33.2, इतना लॉस है, इसका मतलब लॉस टोटल मिला के कितना 28.8 प्लस में 33.2, बोल तो 62 मिलियन का लॉस है, 62 मिलियन का लॉस है। तो बोलता है अगर 62 मिलियन का लॉस है तो आपको यहां पे बताना है लॉस परसेंट इनकर्ड बाय द कंपनी, ठीक है। तो लॉस परसेंट अगर निकालो तो कैसे आएगा, ऊपर तो आएगा लॉस अपॉन मेगा एक्सपेंडिचर इंटू में 100, तो लॉस कितना है 62.2, और इस साल का 2019 का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 2019 का एक्सपेंडिचर हमको जो है वो दे रखा है कितना 248, तो कर लो 62 / 248 * 100, इसको कंप्यूट करोगे ये आएगा जी आपका 25%। चलो आगे बढ़ते हैं। बोलता है 2011 के अंदर अगर प्रॉफिट परसेंट जो है कंपनी का वो हायर है 60% ऑफ द प्रॉफिट परसेंट इन 2018, बोलता है मान लो 2018 में जो भी आपका प्रॉफिट है ना 2021 में उस प्रॉफिट का 60% ज्यादा है, ठीक है जी, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन 2021 एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर वुड बी, तो बताओ 2021 के अंदर जो है पिछले साल के मुकाबले 2020 के मुकाबले जो है वो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ प्रॉफिट,
ठीक है। तो देखो पहले ये देखो 2018 में प्रॉफिट कितना था, तो 2018 का जो प्रॉफिट था ना वो था जी 15%। 2018 का प्रॉफिट यहां पे देखो देखे ना आपको, 2018 का प्रॉफिट कितना है 15%। तो अगर 2018 का प्रॉफिट जो कितना था 15% था, ठीक है, तो 2021 में प्रॉफिट कितना है, जो 2018 का प्रॉफिट था उसमें 60% और ऐड कर लो, तो 15 का 60% कितना हो गया 9%, 15 6 90, इसको आप जोड़ दो तो कितना आ गया 24%, कितना आ गया 24%। तो 15 प्लस में 9 कितना आ गया 24%। ओके, तो इसका मतलब 2021 के अंदर जो प्रॉफिट है वो कितना है 24% है। ओके, अब आपको ये बताना है कि इस साल, तो आपको जो है वो क्या बताया क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में ये बताना है कि then the percentage increase जो हुआ ना in the expenditure of the company 2021 as compared to the previous year would be, तो आपको बताना है कि इस साल जो है वो कितना खर्चा increase हुआ। ओके, तो आपको ये profit तो निकल आया। ओके, अब आपको अगर जो है वो क्या बताना है कि इस साल कितने खर्चे के अंदर जो है वो बढ़ोतरी हुई है 2021 के अंदर 2020 के मुकाबले में, ठीक है। तो 2021 का एक्सपेंडिचर जो है वो आपने निकालना है, आप कितना है, देखो आपको जो है यहां पे क्या निकल गया है, 2021 के अंदर आपको इनकम दे रखी है, ठीक है, और आपको प्रॉफिट परसेंट पता चल गया, प्रॉफिट परसेंट जो है वो कितना निकल गया आपका, वो आया कितना 24%। इसका मतलब जो है वो क्या, देखो जो इनकम होती है, इनकम के अंदर आपका एक्सपेंडिचर भी आता है प्लस में प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो इनकम अगर ये आपको वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और ये आपको दे रखी है, तो क्या आप ये एक्सपेंस निकाल सकते हो क्या? Yes, निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर अगर मैं बोलता हूं कि ये देखो एक बार इसको हम इस तरीके से निकालते हैं कि जो आपका, ध्यान देना, जो आपका ये यहां पे 359.6 है, ये कितने परसेंट की वैल्यू है सर, ये 124% का वैल्यू है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक्सपेंडिचर भी है और इसके अंदर आपका प्रॉफिट परसेंटेज भी है, तो ये कितने परसेंट का वैल्यू है 124 का, तो 100% का निकाल लो तो इनटू में 100 कर दो, तो ये आ जाएगा आपका एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर आ गया कितना 290। अब बोलता है पिछले साल के मुकाबले इस साल खर्चे कितने बढ़े हैं, तो पिछले साल जो खर्चा था 2020 में वो कितना था 210, और इस साल जो है वो कितना है 290, तो आप निकाल लो 210 से 290 कितना हो गया सर, 210 से 290 हुआ तो 80 बढ़ा, किस पे बढ़ा 210 पे बढ़ा, तो 80 अपॉन में 210 इंटू में 100 करेंगे तो आंसर आएगा कितना 38%। ओके जी सर, और जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये, व्हाट इज द एवरेज, आपको निकालना है एवरेज, किसका एवरेज, इनकम ऑफ द कंपनी 2018 एंड 2020। अब 2018 के अंदर जो आपकी इनकम थी वो थी कितनी 220.8 हमने निकाल लिया, और 2020 के अंदर जो हमारी इनकम थी वो कितनी थी 252। अब 18 और 20 की, अब बहुत बच्चे पता है क्या करते हैं, 2018 भी ले लेंगे, 2019 भी ले लेंगे और 2020 भी ले लेंगे और डिवाइड बाय 3 कर देंगे। भाई क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं व्हाट इज द एवरेज ऑफ द इनकम ऑफ द कंपनी 2018 एंड 2020। अगर बोलते 2018 से 2020 तो फिर तीनों साल लेना होता, लेकिन क्या बोल रहे 2018 एंड 2020, तो इस केस के अंदर जो क्या 18 का प्रॉफिट ले लो और 20 का प्रॉफिट ले लो, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आएगा 236.4। ओके जी सर, इस तरीके से क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आएगा इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करना होता है। चलो एक और देखते हैं, क्वेश्चन दे रखा है, द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इन 6 डिफरेंट टाउन ए टू एफ ऑफ द स्टेट एस। एक स्टेट का आपको डेटा दे रखा है, उसके अंदर टोटल मिला के 6 टाउन है, एक आपकी स्टेट है, उस स्टेट के अंदर टोटल मिला के जो है वो क्या 6 डिफरेंट टाउन है ए टू एफ, ठीक है, ओवर द 7 ईयर, कितने साल का डेटा दे रखा है, 7 सालों का डेटा दे रखा है, 6 स्टेट का, 6 टाउन का, एक स्टेट में 6 टाउन है, उन 6 टाउन का 7 सालों का आपको डेटा जो है प्रोवाइड किया हुआ है। बोलता है उस डेटा के बेस पर आपको कुछ क्वेश्चन है उनका आंसर करना है, ठीक है। अब आपको जो डेटा वो कितने सालों का दे रखा है, बोलो 7 साल का, 16 17 18 19 20 21 22, और कितने आपके टाउन है टोटल मिला के, अगर टाउन की बात करें तो यहां पे हमारा हमको ए बी सी डी ई एफ 6 टाउन का अपने को डेटा दे रखा है, और कितने सालों का 7 सालों का, इसके बेस पर अब कुछ क्वेश्चन उनको अपने को सोल्व करना है। सबसे पहला ये नीचे ना मैंने खुद ने आपके सोल्यूशन के लिए मैंने यहां पर इनका एडिशन जो है वो करके लिख दिया एक बार। ओके, अब आओ एक एक करके हम पहले पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बोलते अक्रॉस द स्टेट एस, पूरी स्टेट एस में टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट हुई 2016 में जो बिल्डिंग बनी है इज अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट 2018। अब देखो बोलते 2016 में जो बिल्डिंग बनी, 2016 ये है, 2016 में जो बिल्डिंग बनी है वो कितनी बनी है, 2016 में बनी 16,220, और 2018 में जो बिल्डिंग बनी है वो कितनी बनी है, 2018 में जो बिल्डिंग बनी है वो कितनी बनी है, 17,210। तो बोलता है 2016 की जो बिल्डिंग है वो 2018 के मुकाबले में कितनी परसेंट है, तो कैसे करोगे, 16,220 अपॉन में 17,210 इंटू में 100। अब यहां पे हम थोड़ा सा ना इसको क्या करते हैं, जैसे मान लो इसको राउंड ऑफ के अंदर जो है वो सोल्व करते हैं। ओके, तो राउंड ऑफ में अगर आप जो है इसको सोल्व करोगे तो कैसे, जैसे 16, जैसे यहां पे हम ये मान लेंगे, मान लो फ्रैक्शन कर लेंगे 16,220 अपॉन में 17,210,
10, तो इसका मतलब हम ये मान लेंगे कि अगर मान लो यहां पे हम ये कर दें तो कहीं ना कहीं ये है कि 16 बटे 17, तो अगर आप 16 बटे 17 करोगे ना तो ओवरऑल मिला करके, मैं एक बार छोटा सा आपको कैलकुलेटर में करके दिखा दूं, 16 डिवाइड में 17% करेंगे तो लगभग 94 आएगा। तो जब कभी भी इतनी बढ़िया अगर ऐसी कैलकुलेशन आती है ना तो वहां पे आप अक्सर देखना कि आपको ये डेटा भी अलग अलग जगह पे मिले, मतलब डेटा के अंदर आपको डिफरेंस थोड़ा ज्यादा मिलेगा। तो यहां पे अगर कभी ऐसा जाए 16,220 अपॉन 17,210, अगर इसको सोल्व करना हो तो इसको सोल्व करने का आप अप्रोक्सीमेशन मेथड आप लेके चल सकते हो, वो क्या होगा 16,220 अपॉन 17,210, तो मतलब बाप की फिगर लगभग सेम है, तो आप ये कर सकते हो कि आप एक एक जो है वो क्या कर लो पॉइंट लगा दो, तो आप यहां पे ये कर सकते हो 16 बटे 17, तो अगर आप 16 बटे 17% अगर करोगे 16 बटे 17 × 100 तो आंसर आएगा कितना 94%। ये सोल्व करना बहुत आसान है लेकिन इसको करना थोड़ा सा टेढ़ा काम है, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेशन अगर आप जो है वो आप कर सकते हो, ये कितना आ गया 94%। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द टोटल नंबर, ध्यान देना, बोलता है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड टाउन बी ओवर द 7 ईयर। बोलता है बी टाउन के अंदर टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग 7 सालों में कितनी बनी है, तो बी टाउन के अंदर ये बी टाउन में 2016 के अंदर जो है ये बिल्डिंग बनी है 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो टोटल मिला के 6 साल 7 सालों के अंदर बी टाउन में 18,870 इनको क्या करना था, सिंपल ऐड करना था, तो हमने कर दिया 18,870 बिल्डिंग इसके अंदर बनी है। आगे थर्ड क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज द नंबर ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट टाउन डी 2018 में विद रेफरेंस टू द प्रीवियस ईयर। बोलता है 2018 के अंदर जो है वो कितने परसेंट बिल्डिंग जो है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो देखो 2017 में अगर आप देखोगे ना डी टाउन में, 2017 में डी टाउन के अंदर 2017 में आपकी जो बिल्डिंग थी वो थी 3500 और अब होगी कितने 3600, कितनी बढ़ी 100 बढ़ी, किस पे बढ़ी 3500 पे बढ़ी, तो कैसे निकालोगे, पहले थी 3500 अब होगी 3600, कितनी बढ़ी 100 बढ़ी, किस पे बढ़ी 3500 पे बढ़ी, तो 100 अपॉन में 350 × 100 अगर आप करोगे तो आंसर आएगा 2.85%, तो आंसर क्या सेकंड, सिंपल है बिल्कुल ही, ठीक है ना। आगे बोलता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाउन ई और एफ, बोलता है किसकी बात हो रही है टाउन और ई और एफ की, बोलता है अगर ई और एफ को एक साथ लेके चले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इन 2021 एंड 2017। बोलता है 2017 में ई और एफ में जो बिल्डिंग बनी और 2021 में ई और एफ में जो बिल्डिंग बनी है इन दोनों में कितना डिफरेंस है, परसेंटेज नहीं पूछ रहा सिर्फ डिफरेंस पूछ रहा है। तो देखो 2021 में जो बिल्डिंग बनी है ई और एफ में वो हमने देख लिया डेटा के बेस पर, ई में बनी थी 2350, एफ में बनी है 2560, इन दोनों को जोड़ लो कितना आ गया 4910, फिर 2017 में ई में बनी थी 2100, एफ में बनी थी 2380, इनको जोड़ लो ये क्या आ गया 4480, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कैसे निकालोगे 4910 − 4480 आंसर आएगा 430। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बोलता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाउन ई एंड एफ टुगेदर, अगर ई और एफ को एक साथ लेके चलते हैं तो व्हाट इज द डिफरेंस, आपको डिफरेंस निकालना था बिटवीन द नंबर ऑफ बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट हुई है 2021 में और 2017 में, तो हमने निकाल लिया 2021 में इन दोनों का 4910, 2017 में इन दोनों की 4480, दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो डिफरेंस जब भी एक बार ध्यान रखना, अगर ये बोलता ना 17 और 21 में डिफरेंस बताओ तो ऐसा नहीं है कि 4480 माइनस में 4910 तो आंसर मेरा -430 नहीं, जब कभी भी डिफरेंस का क्वेश्चन आता है तो वहां पे साइन को हमेशा इग्नोर करते हैं, लिख लेना वेन एवर देयर इज अ क्वेश्चन किसका क्वेश्चन आ रहा है डिफरेंस का, तो यहां पे साइन जो होते हैं ना उनको SIGN साइन को हम क्या करते हैं इग्नोर, क्या करते हैं इग्नोर, ये बात ध्यान रखना। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन इसका, बोलता है टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग जो बनी है ओवर द ईयर फ्रॉम 2020 से 2022 इज मोर देन 8500 इन एग्जैक्टली टाउन। तो बोलता है जो टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग जो बनी है ओवर द ईयर मतलब 2020 से 2022 तक जो बिल्डिंग बनी है वो 8500 से ज्यादा कौन कौन कितने ऐसे टाउन है जिनमें 8500 से ज्यादा बिल्डिंग बनी है, ठीक है। तो 2020 से 2022 ए के अंदर देख लो, पहले ए में 2020 से 2022 ये इनको जोड़ लो, फिर बी इनको जोड़ लो, फिर सी इनको जोड़ लो, मतलब 2020 से 2022 इसका मतलब 20, 21, 22, तो 3300, 3320 और 3400 मैंने यहां पे इसको क्या कर लिया जोड़ लिया 3300, 3320 और 3400, तो इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो ये आ गया 0 carry 1, ये आ गया इस तरीके से मैंने जो है सबको जोड़ दिया। अब बोलता है कि इसमें से कितने ऐसे टाउन है जिनके अंदर जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो 8500 से ज्यादा हुई है, तो एक तो ए में हुई है बोलो यस, एक बी में भी हुई है क्या, नहीं सर बी में तो नहीं क्योंकि 8500 से कम है 8492, सी में कितनी हुई है 8500 से ज्यादा हुई है, डी में कितनी हुई है 8500 से ज्यादा हुई है, ई में 8500 से कम, एफ में 8500 से कम, तो आंसर जो है वो क्या आएगा 3 टाउन, कितने 3 टाउन।
ओके जी सर, चलो आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। आपको टेबल दे रखी है, ठीक है, टेबल बिलो शो द स्टेट वाइज, आपको यहां पे स्टेट्स का डेटा दे रखा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करोड़ आपको बता रखा है कि कितने कितने फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन स्टेट्स के अंदर आई है 2022 में, ठीक है। एंड टेबल टू शो कर रही है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द डिफरेंट सेक्टर ऑफ ईच स्टेट। अब आपको डेटा के बेस पर कुछ क्वेश्चन है उनका आंसर करना है। अब आपको यहां पर जो है वो दे रखा है हर स्टेट में, यहां पर आपको स्टेट दे रखी है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा। तो टोटल मिला के 7 आपको स्टेट्स का डेटा आपको यहां पे दे रखा है। इन 7 स्टेट में कितना कितना एफडीआई आया, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर से कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है। तो राजस्थान में 3120, मध्य प्रदेश में 3560, गुजरात में 3940, तमिलनाडु में 1380, आंध्र के अंदर 1460, दिल्ली में 1660 और हरियाणा के अंदर 3880। तो ये टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इन अलग अलग 7 स्टेट्स के अंदर जो है वो आई है। ओके जी सर, अब यहां पे आपको यह भी बता रखा है सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है ऑफ द इन्वेस्टमेंट फॉर ईच स्टेट, मतलब परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर ईच स्टेट, हर स्टेट के अंदर कितना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे डिफेंस की अगर बात करता हूं तो डिफेंस सेक्टर में आई है 25.6, हर एक उसमें हर स्टेट के अंदर यही परसेंटेज है, सेम है। डिफेंस में 25.6, टेलीकॉम में 13.5, इंश्योरेंस में 18.5, फार्मास्यूटिकल में 8.5, कंस्ट्रक्शन में 14.4 और अदर्स के अंदर 19.5। इसको अगर मैं जोड़ूंगा ना ये आएगा बनेगा 100%। ओके अब आपको ये आपको क्या क्या दे रखा है, पहले ये देखो, पहले तो मेरे को ये 7 अलग अलग स्टेट का डेटा दे रखा है जिसके अंदर ये बता रहा है कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है। फिर मेरे को साथ में जो है वो क्या दे रखा है, मेरे को यहाँ पे परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो दिया हुआ है। ओके जी, अब इसके बेस पर मेरे को जो है वो 5 क्वेश्चन उनका इनका सोल्यूशन करना है। सबसे पहला बोलता है व्हाट इज टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी है इन अदर सेक्टर इन ऑल द 7 स्टेट टुगेदर। अगर 7 स्टेट के डेटा को अगर मैं ले लूं तो आपको बताना है कि अदर्स के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट आई है। देखो सभी स्टेट्स में टोटल मिला के कितनी इन्वेस्टमेंट आई है सर, सभी स्टेट के अंदर टोटल मिला के जो इन्वेस्टमेंट आई है वो आई है 19,000 करोड़ की। कितने की? 19,000 करोड़ की। और इसमें से अदर सेक्टर कितना होगा, ये 19,000 करोड़ की सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट है वो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में ही है, लेकिन आपको बताना सिर्फ अदर्स में कितने आई है। तो 19,000 करोड़ में अदर्स का जो रेशियो वो कितना है, 19.5। तो 19,000 करोड़, 19,000 × 19.5 तो आंसर आएगा 3705। ये इतना इन्वेस्टमेंट जो है वो अदर सेक्टर के अंदर आए सभी स्टेट्स का मिला करके। आगे सेकंड क्वेश्चन बोलता है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ना इन इंश्योरेंस सेक्टर इन राजस्थान, राजस्थान के अंदर जो इंश्योरेंस सेक्टर है, ठीक है, राजस्थान में जो मतलब राजस्थान में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है उसमें कितना परसेंट इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर है, ठीक है। और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है इन हरियाणा, ठीक है, तो आपको यह बताना है कि राजस्थान के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है, ठीक है, वो कितना परसेंट है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है कंस्ट्रक्शन सेक्टर इन हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो देखो जो इंश्योरेंस सेक्टर जो राजस्थान है वहां पे टोटल जो इन्वेस्टमेंट आई है वो कितनी आई थी सर, राजस्थान में जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी वो थी 3120 करोड़, ठीक है। तो 3120 और इसमें जो आपका रेशियो था किसका, इंश्योरेंस सेक्टर का, वो कितना सर, इंश्योरेंस सेक्टर की अगर बात करें तो उसका रेशियो कितना 18.5, तो हमने कर लिया 3120 का 18.5, ये आ गया मेरा 570.2। और जो कंस्ट्रक्शन जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हरियाणा के अंदर ये कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, तो देखो हरियाणा में टोटल कितनी आई है सर 3880 और इसमें से कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है उसमें कितनी आई है 1404%। तो मैंने यहां पे निकाल लिया 3880 × 14.4%, ये आ गया। तो आपको जो है वो क्वेश्चन में क्या बताना था कि ये इसका कितना परसेंट है, तो अगर आपको इसको निकालना हो तो आप कैसे करोगे, ऊपर आएगा 577 अपॉन में जो है वो क्या आएगा 558 × 100 अप्रोक्स करके आपका आंसर आएगा 103%। ओके जी सर, ये हो गया जी आपका। अब अगर इसको भी वैसे निकालना हो ना, इसका भी फॉर्मूला होता है वैसे कि देखो अब ये इसका तो ये बेस है ना आपका, तो मतलब ये 100% का वैल्यू है, ठीक है ना। तो अगर ये अब ये कितना फालतू है अगर आप देखो इसको, तो ये लगभग जो है मतलब 558 और ये 570, तो मान लो अगर ये 578 ही होता तो लगभग ये कितना फालतू है, ये 20 फालतू है। तो अब ये देखो ये 20 जो है ना वो इस 558 का कितना परसेंट है, अगर ये देखें तो 558 का 1% कितना है लगभग 6.58, ठीक है। 2% जो है वो कितना है, तो इसका डबल, और 3% जो है वो ट्रिपल हो गया, तो लगभग 5.58 या मान लो 6 का 3% कितना हो गया 18, तो लगभग ये हो गया ना। तो इसका मतलब 100+3 कितना हो गया 103। इस तरीके से भी कर सकते हो, ये भी शॉर्टकट होता है, ठीक है ना, बाकी आप चाहे नॉर्मल तरीके से कर लो। ओके
चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है फार्मास्यूटिकल सेक्टर इन आंध्र प्रदेश इज अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट कम है देन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन टेलीकॉम सेक्टर इन दिल्ली। तो आपको पहले निकालना है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फार्मास्यूटिकल में आंध्र प्रदेश में आई है। तो आंध्र प्रदेश में टोटल जो इन्वेस्टमेंट आई है वो थी 1460 और इसमें जो फार्मास्यूटिकल का जो रेशियो वो कितना 8.5%। तो निकालिए कितना 124.1 करोड़। ठीक है, फिर दिल्ली में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जो है वो इन्वेस्टमेंट कितनी आई है। दिल्ली में टोटल आई है 1660 और टेलीकम्युनिकेशन में कितनी आई है 13.5%। तो ये निकालिए कितना 224.1। तो अब क्वेश्चन ये आ रहा है, बोलता है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो आंध्र प्रदेश के अंदर फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसमें जो इन्वेस्टमेंट आई थी वो दिल्ली की इन्वेस्टमेंट से कितनी कम है। दिल्ली की जो टेलीकॉम के सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट आई थी उससे कितनी कम है। तो 124 है और वो उसकी 224 से कितनी कम है 100 कम है। किस पे 124 पे। तो 100/124 × 100 करोगे तो आंसर आएगा 44.6%। ओके जी सर, आगे बोलता है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट, इनमें से कौन से पेयर ऑफ स्टेट में रेशियो जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इन डिफेंस सेक्टर इज 52 और 23 का है। ठीक है, तो डिफेंस के अंदर जो रेशियो है ना इनमें से कौन से पेयर में वो क्या 52 और 23 का। देखो पहले ये बताओ क्या रेशियो हर एक के अंदर सेम है क्या, बताओ जितने भी इन्वेस्टमेंट आई हो क्या उसका रेशियो जो है वो हर एक के अंदर सेम है या नहीं है। सर रेशियो अगर सेम है तो आपको कंपैरिजन सिर्फ जो है कंपैरिजन कैसे, या तो पहले आप डिफेंस सेक्टर की सभी स्टेट्स के निकाल लो कि सबके अंदर कितनी कितनी जो है इन्वेस्टमेंट आई और फिर उनका रेशियो निकाल लो। लेकिन जब बेस आपका सेम होता है, क्योंकि आपको यहां पर जो है वो क्या देखना है कि डिफेंस सेक्टर के अंदर जो है वो जो इन्वेस्टमेंट आई है, ठीक है, तो हर एक सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट आई है ना, हर एक स्टेट में जो इन्वेस्टमेंट आई है उसका रेशियो तो सेम ही है। मान लो डिफेंस सेक्टर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आई है वो कितनी है, डिफेंस के अंदर 25.6। तो अगर मान लो, अब ध्यान देना, अगर मान लो राजस्थान के अंदर जो है वो आई है 1000 और यहां यह 2000, तो रेशियो जो है वो क्या 1000 का 25.6 निकाल लो और 2000 का 25.6 निकाल लो। समझ रहे हो, 1000 का 25.6% और 2000 का 25.6%। अगर मैं इसको निकालता हूं मान लो, तो एक बार आप करके देखो 1000 का 25.6% जो है वो कितना आ गया 256 और 2000 का 25.6% जो है वो कितना आ गया 512। अब अगर मैं इनका रेशियो निकालता हूं तो रेशियो कैसे आएगा 256 और 512। और अगर मैं डायरेक्टली इसको ही कर दूं 1:2 आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है, क्योंकि रेशियो जो है वो सेम है दोनों के अंदर। जो डिफेंस सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट आई है वो कितनी आई है 25.6% ही आई है। अगर दोनों में सेम आई है तो आप डायरेक्टली जो है टोटल इन्वेस्टमेंट का जो है वो क्या कर लो, रेशियो निकाल लो। तो मैंने यहां पे देखा राजस्थान के अंदर जो आई है वो कितना 3120 और तमिलनाडु के अंदर जो आई है कितना 1380। पहले इनका निकाला, इनका जब निकाला सीधा तो इनका ही निकल के आ गया 52 और 23। तो आंसर जो है वो क्या, ये आपका जो है वो इन स्टेट्स का, इन दोनों के स्टेट्स के पेयर में जो आपका डिफेंस सेक्टर के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है तो उसका रेशियो जो है वो कितना 52 और 23। आप आगे वाले अपने हिसाब से जो है वो कर लेना, ठीक है, लेकिन ये पहले में ही आ गया। तो ये इस क्वेश्चन से मैं जो मेन बात आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि जब कभी भी अगर ऐसा हो ना कि एक चीज जो दोनों फिगर्स के अंदर कॉमन है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप उसको कंप्यूट करके अगर आंसर निकालोगे तो सेम ही आएगा। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन इसका जो है वो क्या बोलता है, व्हाट इज द डिफरेंस इन करोड़, आपको डिफरेंस बताना है करोड़ में बिटवीन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिफेंस सेक्टर इन गुजरात एंड द कंस्ट्रक्शन एंड इंश्योरेंस सेक्टर टुगेदर इन एमपी। तो बोलता है जो गुजरात में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है डिफेंस सेक्टर में वो कितना, टोटल जो इन्वेस्टमेंट थी गुजरात में वो थी 3940 और इसमें जो डिफेंस सेक्टर में थी वो थी 25.6%। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दी करके देख लिया कितना 1008.64 और जो कंस्ट्रक्शन और इंश्योरेंस सेक्टर मध्य प्रदेश में इनकी मिलाकर कितनी आई है। तो कंस्ट्रक्शन और इंश्योरेंस सेक्टर, देखो अगर कंस्ट्रक्शन और इंश्योरेंस सेक्टर को मिला दूं, कंस्ट्रक्शन और ये इंश्योरेंस, तो 18.5 और 14.4 इन दोनों को जोड़ लो, 18.5 और 14.4, तो ये आ गया 2 और ये 32.9, दोनों की कंबाइन 32.9। ओके, अब 32.9 किसका 3560 का, मध्य प्रदेश के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है एफडीआई कितनी आई है 3560, इसका 32.9, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब इन दोनों में आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, परसेंटेज नहीं ओनली डिफरेंस बताना है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 162.6, आंसर आ गया 4। ओके जी सर, चलो आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। बोलते हैं फॉलोइंग टेबल शो द परसेंट, आपको एक टेबल दे रखी है उसके अंदर आपको जो है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है 6 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर का, नेमली सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, बोनस, रॉ मटेरियल एंड मिसलेनियस ऑफ द 3 कंपनी। तीन कंपनी का आपको जो है वो 6 अलग अलग खर्चे का डेटा दे रखा है। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर जो है कंपनी ए बी और सी का वो है ये आपको बता रखा है 80 लाख 90 लाख 75 लाख। इस
आपको एक टेबल दे रखी है, इसके डेटा के बेस पर कुछ क्वेश्चन है, उसका आपको आंसर करना है। तो कंपनी वाइज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता रखा है। कंपनी ए का टोटल खर्चा कितना है 80 लाख, बी का टोटल खर्चा 90 लाख और सी का टोटल खर्चा कितना 75 लाख। ठीक है, ए का 80, बी का 90 और सी का 75 लाख। ठीक है, अब ए कंपनी ने जो टोटल खर्चा, तो ए कंपनी का 80 लाख है, लेकिन इसमें उसने सैलरी पे कितना खर्चा किया हुआ है 24%, इंश्योरेंस पे कितना किया हुआ है 18, फिर ये ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जो है वो कर रखा है टी का, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जो खर्चा, ये आईसी इंफ्रास्ट्रक्चर सॉरी टी पे ट्रांसपोर्टेशन पे कितना है 15%, इस तरीके से ये इससे खर्चा कर गया। ठीक है, तो 80 लाख का जो बाइफरकेशन है अलग अलग इन 6 खर्चों में, वो ये परसेंटेज के हिसाब से बता रखा है आपको। ठीक है ना, और तीनों कंपनी का बता रखा है। ओके, तो ए का टोटल खर्चा 80 लाख है और 80 लाख खर्चा इसी इन 6 खर्चों में इस परसेंटेज में डिवाइड है। ठीक है, बी का टोटल खर्चा 90 लाख है और वो इन 6 आपके अलग अलग जो है वो परसेंटेज के अंदर इस इन परसेंटेज के अंदर डिवाइड है, और सेम सी का टोटल खर्चा कितना 75 लाख है और वो इन 6 अलग अलग जो है वो खर्चों के अंदर ये क्या डिवाइड है। अब आपको इसके बेस पर जो है वो 5 क्वेश्चन उसको आंसर करना है। पहला क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए ऑन सैलरी, कंपनी ए का जो खर्चा है सैलरी पे, और एक्सपेंडिचर कंपनी बी ऑन रॉ मटेरियल, उनका डिफरेंस बताओ। तो ए ने टोटल खर्चा, ए का टोटल खर्चा 80 लाख और सैलरी पे कितना 24%, तो 80 का 24% कितना 19.2, और बी का खर्चा रॉ मटेरियल पे, तो बी का टोटल खर्चा जो है वो कितना था 90 और 90 का रॉ मटेरियल के ऊपर जो उसका खर्चा था रॉ मटेरियल पे वो कितना है जी उसका 9%, कितना 9%, ये निकाल लो तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 11.1। ओके जी, आगे एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी सी, कंपनी सी का खर्चा जो है सैलरी पे वो कितना परसेंट है एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए का, तो यहां पे एक्सपेंडिचर जो है कंपनी ए का ये हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। ठीक है, तो सी का टोटल खर्चा जो है 75 लाख का, इसमें सी का टोटल खर्चा 75 लाख का, इसमें सैलरी का खर्चा कितना 21%, तो ये हमने निकाल लिया कितना 15.75, और ए का टोटल खर्चा कितना 80 लाख का और इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन पे टोटल खर्चा कितना 15%, तो ये हमने निकाल लिया कितना 12। तो बोलता है आपको बताना है कि सी का जो खर्चा है वो ए के मुकाबले में कितना परसेंट है, तो सी का खर्चा ऊपर आ जाएगा 15.75 अपॉन में 12 × 100, इसको आप राउंड ऑफ करोगे आंसर आएगा 131%। ओके जी सर, थर्ड क्वेश्चन बोलता व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर बताना ऑफ द 3 कंपनी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तीन कंपनी है। ठीक है, इन तीनों कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे टोटल मिला के कितना खर्चा कर रखा है। ठीक है, तो अब यहां पे आपको जो है वो अलग अलग करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि तीनों का इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा है ना वो अलग अलग है। देखो एक बार, ए कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना करा है 18, इसने 15, इसमें 24, अगर तीनों ने सेम कर रखा होता तो निकालना बहुत ही ईजी था, तीनों का टोटल लेते, उसका एक जो एक रेशियो था उससे मल्टीप्लाई करते, डिवाइड बाय 3 करते, आंसर आया था। लेकिन यहां पे तीनों का जो रेशियो वो क्या अलग अलग है, तो फिर आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। तो हमने यहां पे जो है अलग अलग तरीके से कंप्यूटेशन किया। ए कंपनी का जो खर्चा है टोटल 80 लाख, 80 लाख में 18% कितना 14.4, बी का टोटल खर्चा 90, इसमें 15% है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का 13.5, और सी का जो टोटल खर्चा था 75 और 75 में जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा था कितना 24%, ये आ गया 18, तीनों को जोड़ दो तो आएगा कितना 45.9, ये आपका टोटल जो वो खर्चा आया 45.9 लाख आपका खर्चा है। ओके, तीनों का मिला करके एवरेज निकालना, डिवाइड बाय 3 कर दो, आंसर आएगा 15.3। आगे फिर बोलता है व्हाट इज द रेशियो, आपको रेशियो बताने किसका, एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए ओन इंफ्रास्ट्रक्चर टू द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी ऑन ट्रांसपोर्टेशन। ए कंपनी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा किया और बी कंपनी ने जो ट्रांसपोर्टेशन पर खर्चा किया, उनको निकालो, उनका रेशियो निकालना है। तो ए का खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने निकाल लिया, वो आगे कितना 14.4, बी का ट्रांसपोर्टेशन पर जो खर्चा है वो निकाल लिया, 90 का 14% कितना गया 12.6, इनका आप जो हो क्या निकाल लो रेशियो निकाल लो, 18 पे जाएगा तो इनका रेशियो आएगा 8:7, सिंपल सर। और लास्ट बोलते एक्सपेंडिचर जो है कंपनी सी का इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बोलते वो कितना परसेंट ज्यादा या कम है देन द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए ऑन बोनस। तो कंपनी सी का इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा, तो कंपनी सी का टोटल खर्चा कितना 75 लाख का और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कितना है 24%, तो बोल दो 18 लाख का। और कंपनी और ए कंपनी का जो बोनस पे खर्चा वो कितना, देखो ए कंपनी का टोटल खर्चा कितना 80 लाख का और बोनस पे कितना है 10%, तो कितना 8 लाख। तो कितना बोलता है सी कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है ना वो कितना ज्यादा है, तो सी का है 18 और ए का है 8, तो कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है, तो 10 किसके मुकाबले में, ए के मुकाबले में, तो 10 अपॉन में 8 × 100 करोगे आंसर आएगा 125%, क्योंकि यहां पे किसके इज लेस देन द एक्सपेंडिचर कंपनी ए, तो यहां पे कंपनी ए का जो एक्सपेंडिचर है ना बोनस पे, ये आपका हो जाएगा क्या रेफरेंस। ओके जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं।
आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है ये, बोलते हैं एक टेबल आपको यहाँ पे दे रखी है जिसके अंदर आपको जो है बता रखा है ईयर वाइज डेटा दे रखा है नंबर रजिस्टर्ड कार का फॉर फोर ईयर, चार साल का हो, 2017 से 2020, 17, 18, 19, 20, चार साल का डेटा आपको दे रखा है, चार सिटी का, ए बी सी डी का। लास्ट कॉलम आपको शो कर रहा है डेटा ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस सिटी फॉर द ईयर 2020, 2020 के अंदर अब इनकी जो पॉपुलेशन है वो भी बता रखी है। बेस्ड ऑन द डेटा गिवन द टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको क्या क्या दे रखा है, चार सिटी है ए बी सी डी, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कार था 2017 में, ए में कितनी कार रजिस्टर्ड हुई, 7500 गाड़ियां, बी में 1200, सी में 6000 और डी में 5000, ठीक है। इस तरीके से आपको चार साल के अंदर अलग अलग सिटी में कितनी गाड़ियां रजिस्टर हुई वो बता रखी है, और 2020 के अंदर जो पॉपुलेशन है वो बता रखी है, 2020 में जो पॉपुलेशन है वो बता रखी है। ओके, ये 2020 की मतलब 0.8 मिलियन, इसका मतलब 0.8 मिलियन का मतलब जो है वो क्या हो गया, 8 लाख सॉरी, तो 1 मिलियन में कितना, 10 लाख, और 10 लाख इंटू 0.8 करेंगे तो कितना आएगा, 8 लाख। ओके, तो ये आपको बता रखिए टोटल पॉपुलेशन भी। ओके, चलो जी, अब इसके वैसे कुछ क्वेश्चन है वो करने हैं। बोलते विच सिटी हैज शोन मैक्सिमम परसेंटेज ग्रोथ इन रजिस्टर्ड कार फ्रॉम 2017 से 2020, 2017 से 2020 का अगर देखें ना, तो कौन सी ऐसी सिटी है जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है, ठीक है। तो देखो ए के अंदर देखे 2017 में कितनी थी गाड़ियां थी, 7500, और 2020 में कितनी होगी, 9500, तो 7500 से 9500 होगी, कितनी बड़ी, 2000 बड़ी, किस पे बड़ी, 7500 पे, वही सिंपल सा 2000/7500 इंटू में 100 आएगा 26.66। बी कंपनी का जो है 1200 से कितनी हुई, 1500 हुई, तो 1200 से 1500 कितनी बड़ी, 300 बड़ी, किस पे बड़ी, 1200 पे, तो 300/1200 इंटू में 100 कितना, 25%। सी कंपनी 6000 से 10000 हुई, कितनी बड़ी, 4000 बड़ी, किस पे बड़ी, 6000 पे, 4000/6000 इंटू 100 66.66%। और फिर यहां पे देखो ये जो है डी कंपनी का 5000 से कितनी हुई, 5000 से 7400, तो इसका मतलब कितनी बड़ी, 2400 बड़ी, किस पे बड़ी, 5000 पे, 2400/5000 इंटू 100 करेंगे तो कितना, 48। तो आपको बताना है कौन सी ऐसी सिटी है जो सबसे मैक्सिमम जो है वो ग्रोथ को शो कर रही है, तो वो है सिटी नंबर सी। ओके जी सर, सेकंड क्वेश्चन बोलता है इन द ईयर 2020 में पर कैपिटा रजिस्टर्ड कार वर मैक्सिमम इन द सिटी, बोलता है 2020 में पर कैपिटा जो कार रजिस्टर्ड हुई है ना वो सबसे ज्यादा किस सिटी में हुई है, ठीक है, 2020 में। अब देखो 2020 के अंदर ए में कितनी हुई है, 9500, और जबकि उसकी पॉपुलेशन कितनी थी, 80000, तो पर कैपिटा अगर आपको निकालनी होती तो आप कैसे करते हो, ए के अंदर अगर आपको पर कैपिटा निकालनी है तो हम कैसे करते हैं, टोटल हुई है 9500 किस पे, 8 लाख पे, ठीक है। फिर ये 1500 हुई है किस पे, 2 लाख पे, 10000 हुई है किस पे, 6 लाख पे, और 7400 हुई है किस पे, 7.5 लाख पे, तो इसको आप निकाल लो, तो हमने कर लिया 9500 हुई है किस पे, 8 लाख पे, 1500 हुई है किस पे, 2 लाख पे, 10000 हुई है किस पे, 6 लाख पे, और 7400 हुई है किस पे, 7.5 लाख पे। अगर आप इसको निकालोगे तो आंसर रहेगा ये सबसे ज्यादा जो सॉरी ये सबसे ज्यादा जो वो हुई है रजिस्टर्ड कार जो है मैक्सिमम जो है सिटी के अंदर वो कौन सी सिटी में, सिटी सी में, किसमें, सी में, 1.66। अगर आप कंप्यूट करोगे परसेंटेज में निकाल लो थोड़ा और इजी हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी इस तरीके से भी आप जो है वो देख सकते हो। ओके, तो आंसर आएगा सेकंड। आगे टेकिंग ऑल द सिटी टुगेदर, बोलता अगर सभी सिटीज को हम लेके चले, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कार इन 2020 विद रिस्पेक्ट टू 2017, तो आपको जो है वो रेशियो निकालना है 2020 और 2017 में सभी कार का, तो सभी सिटी का 2020 के अंदर आप देख लो, 2020 में सभी सिटी का जो है वो कितना था, 28,400, और 2017 में कितना, 19,700, तो 28,400 और 19,700 इनका रेशियो देख लो, 28,400 19,700, इसको जब आप कंप्यूट करोगे तो आंसर आएगा 284:197, 20 से 20 कट जाएगा तो 284:197। आगे फिर बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज, आपको एवरेज निकालना है परसेंटेज ग्रोथ इन रजिस्टर्ड कार अक्रॉस ऑल द सिटी फ्रॉम द ईयर 2017 से 2018, 2017 से 2018 में कितना ग्रोथ हुआ। देखो 2017 के अंदर जो वो थी, 2017 के अंदर देखो कितनी थी, 19,700, और 2018 में कितनी, 22,850, तो आप निकाल लो 19,700 से 22,850 कितनी बड़ी, 3150 बड़ी, कितनी बड़ी, 3150 किस पे बड़ी, 19,700 पे, तो 3150 अपॉन में 19,700 इनटू 100 करूंगा तो आंसर आएगा 15.98%, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, 16%। ओके जी सर, आगे लास्ट क्वेश्चन बोलता है बेस ऑन द एवरेज ग्रोथ परसेंटेज ऑफ द रजिस्टर्ड कार पर ईयर, ठीक है जी, इन द सिटी ए, सिटी ए के अंदर जो है आपको बताना है हर साल कितना परसेंट से ग्रोथ हुआ, व्हाट विल बी द एस्टिमेट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कार इन सिटी ए इन 2021, तो बोलता है पहले 2017 से 2020 तक जो ग्रोथ हुई है ना, ठीक है, हर साल क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन द एवरेज ग्रोथ परसेंटेज ऑफ द रजिस्टर्ड कार पर ईयर, हर साल आपको बतानी है, मतलब 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20 जो ग्रोथ हुई, ठीक है,
उसका क्या लेना है एवरेज, और फिर वो जो आएगा ना वो जो परसेंटेज आएगा उसके बेस पर आपको प्रिडिक्शन करनी है कि 2021 में टोटल नंबर ऑफ कार कितनी होंगी, कितने रजिस्टर्ड कार होंगी सिटी ए में। तो देखो सिटी ए में 2017 से 2018 अगर मैं देखता हूं तो कितना ग्रोथ हुआ, 7500 से 8000, फिर 8 से 9, फिर 9 से 9500, 7500 से 8, देखो 7500 से 8000, 8000 से 9000, और फिर 9000 से 9500। तो 2017, 2018, 2019 और 2020, तो 2017 से 2018 कितनी बढ़ी, 500 बढ़ी, किस पे बढ़ी, 7500 पे बढ़ी। तो ये आ गया इस साल का 2017-18 का जो ग्रोथ है वो कितना, 6.66। 2018-19 का निकालना है, 8 से 9 हुई, कितनी बढ़ी, 1000 बढ़ी, किस पे बढ़ी, 8000 पे बढ़ी, तो निकाल लिया 12.5%। अब इसको कंप्यूट करने तो क्या 1/8 ये कट गया ना, तो 1/8 कितना परसेंट होता है, 1/8 12.5%। फिर 2019 से 2020 कितनी बढ़ी, 19 से 20 9000 से 9500, तो इसका मतलब जो क्या हो गया, 500 बढ़ी, किस पे बढ़ी, 9000 पे, इनटू में 100 करोगे आंसर आएगा 5.55। अब ये तीन अलग अलग सालों का ग्रोथ आ गया, अब इसका क्या कर लो, एवरेज कर लो, तीनों को जोड़ लो, 6.66 प्लस 12.5 प्लस 5.55, इनको जोड़ लिया, ये आ गया 24.71, डिवाइड में कर दो क्या 3, तो ये आ गया 8.23। अब जो ग्रोथ होनी चाहिए वो होनी चाहिए मान लो 8.23% से, तो 2020 में कितना था रेशियो, 2020 में जो रजिस्टर्ड कार थी वो कितनी थी, 9500, तो 2021 में कितनी होंगी, 9500 प्लस में 8.23%, तो 9500 और इसके अंदर अगर मैं जोड़ लूं 8.23% तो आएगा 10283, आंसर आएगा 10283। ओके, इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका होमवर्क है, आप इसको करना, इसका जो सॉल्यूशन है वो फिर अगले क्लास में देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 मैंने डाल दिया, इसका पीडीएफ भी डाल दूंगा, तो ये आपको जो सोल्व करना है। ओके, तो ये था अपना डीए का बेसिक। ओके, और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर आपको ले आया, थोड़ा आपको मैंने पहले बेसिक बताया कि बेसिक जो है एक बार थोड़ा देख लेना। ओके, और कैसे कैसे सॉल्यूशन अपने को करना था ये सब आपको मैंने बता दिया, ठीक है। पांच हमने इस साल जो पेपर हुआ था, मतलब पिछले साल जो पेपर हुआ था दिसंबर में, तो उसमें कैसे क्वेश्चन थे वो मैंने इसमें डाल दिए, इसको आप देख लो, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे, मतलब इसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चन जो वो आएंगे। आपने देखा होगा क्वेश्चन में आपको एक सिमिलरिटी देखने को मिला होगा कि क्वेश्चन जनरली क्या परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज इस तरीके से जो पूछ रहा है। ओके, तो लगभग चीजें सेम ही मिलेंगी आपको, तो आपको थोड़ा सा बस करते हुए थोड़ा अटेंटिव रहना है, फिर आप कर लोगे आराम से। ओके जी सर, चलो ये था अपना डीए का एक मास्टर क्लास जो हमने बनाया, तो इसको आप बढ़िया तरीके से कर लीजिए, इसका पीडीएफ मैं डाल देता हूं, तो उससे बहुत हेल्प मिल जाएगा आपको, ठीक है ना जी सर। एक बार ये करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।